जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, भारत का समावेशी विकास नहीं होगा, और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा। ये सोच है हमारी। एक तो संक्षेप में हमें ये बात कहनी, इधर नीति स्पष्ट, विकास विकास विकास, नेता स्पष्ट नीतीश कुमार, दल स्पष्ट समन्वय, साथ काम करने का संकल्प, और राष्ट्रीय स्तर पर नेता स्पष्ट नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के विकास के लिए संकल्पित, तो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार मिलकर काम करें। तो यह है हमारी सोच। उधर क्या है, नेता के बारे में स्पष्टता नहीं है, गठबंधन से निकलने की तैयारी चल रही है, आगे कौन रहेगा नहीं रहेगा ये आगे देखना है। लेकिन सबसे कौतूहल मुझे एक बात से हुआ कि आजकल एक पार्टी के बड़े होर्डिंग में उनके दो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री दिखाई नहीं पड़ते। मैं तो जानते हैं किसी का नाम लेता नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। मुझे एक ही सवाल पूछना है, अपनी विरासत से इतनी शर्मिंदगी क्यों है भाई? फिर कहूंगा, अपनी विरासत को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? तो अगर दो दो पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य विपक्षी दल के होर्डिंग से गायब हैं, तो मतलब दिखाने को कुछ नहीं। ये है बड़े सवाल, और इन सवालों का जवाब इस चुनाव में पूछा जाएगा। ये चुनाव कोरोना के अंतर्गत होगा, इसलिए इस चुनाव में कई चुनौतियां भी हैं, कई अवसर भी हैं। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि राष्ट्रीय नई बिहार की भाजपा ने इस कोरोना के अवसर पर डिजिटल तरीके से अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, हर विधानसभा में बातचीत की, पंचायतों तक बातचीत की, और बाद में बाकी पार्टियों ने भी उसको फॉलो किया। अच्छा लगा, कुछ लोग फॉलो करने की कोशिश किए और धराशायी भी हो गए, उन्होंने प्रयास ही छोड़ दिया, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी। तो हम तो तैयार थे, चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार था, वो करा गया, तो चुनाव आयोग का बहुत बहुत अभिनंदन। और हम सभी चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जो भी अभियान की रूपरेखा बनेगी उसके अनुसार हम प्रचार करेंगे।